नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कॉल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, कहने में आसान और सुनने में खूबसूरत लगने वाली शब्द है नशा। आज इस शब्द ने पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया है। हमारे समाज इंसानी ज़िंदगी के लिए नासूर बन चुकी इस शब्द को जड़ से मिटाना अब बेहद ही ज़रूरी हो गया है। ना जाने इस शब्द ने कितने जिंदगियां बर्बाद की, कितने घरों को तोड़ा और कितने परिवार इसके जद में आकर बिखर चुके हैं। तो दोस्तों, आज ज़रूरत है हम सबों को एकजुट होकर इस नासूर शब्द वाली नशा से निपटने की, और इसके लिए साल में एक दिन रैलियां निकालना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हमें प्रत्येक दिन इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। इसके साथ ही सरकार पे दबाव बनाना होगा कि ऐसे मादक पदार्थों पे पूर्ण रूप से पाबंदी लगे। विश्व नशा मुक्ति दिवस का पालन करते हुए नियामतपुर मुक्ति फाउंडेशन ने एक जागरूकता रैली निकाली और इसके माध्यम से लोगों को नशा से होने वाले नुकसान के बारे में बताया और जागरूक किया। बराकर बस स्टैंड में हमारा डांस एकेडमी है, जहाँ पर डांस सिंगिंग मॉडलिंग सिखाया जाता है। ये एक योगा दिवस पर हमारा महिलाओं के लिए योगा सुविधा की गई है। हमारा यहाँ एडमिशन फ्री है, जिन्हें भी करना है, इंटरेस्टेड है, वो संपर्क करें। और यहाँ ब्यूटिशियन भी सिखाया जाता है, और नीचे दिया हुआ नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम कमलजीत नोनिया है। आप क्या करते हो? मेरा खुद का फाउंडेशन है, नियामतपुर मुक्ति फाउंडेशन, जो पिछले 3 साल से चला रहा हूँ, 2016 से। तो मैंने अभी कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला जब अभी चला रहे हैं आप तो? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे समाज पूरा पूरी नशा पर बहुत कोई निर्भर हो जाते हैं, लाइफ को सही तरह से जी नहीं पाते, एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो नशा में फंस चुके होते हैं। आप जो चला रही है मैंने फाउंडेशन, इसमें क्या करता है आपका, क्या काम होता है? काम होता है कि आज के दिन जो जो नशेड़ी नशा में फंसे हुए हैं, उन लोगों को नशा मुक्त करना, उन लोगों को अपना नेचुरल लाइफ में लाना। नशा मुक्त में भी इंसान जो जीता है हंसी खुशहाल परिवार, उस सब में हम लोग रिटर्न लाने में मदद करते हैं। आज नशा मुक्ति दिवस था, विश्व भर में नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, इस अवसर पे आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने अवेयरनेस का प्रोग्राम, आज हम लोगों ने रैली निकाली थी। एंटी ड्रग्स डे, वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे आज आज है, 26 जून, जिस कारण हम लोग रैली निकाले थे यहाँ से नेमतपुर आपका टहरम तक गए, चेक पोस्ट तक, फिर रिटर्न अपना फाउंडेशन में आ गए हैं, ताकि आदमी लोगों को खबर मिले। अच्छा, आपके पास जो बच्चे आते हैं, जो जो भी आते हैं, उन्हें कैसा उनका माहौल कैसा होता है उनका? माहौल उनका ऐसा होता है कि जो जो आते हैं पूरा पूरी नशा में फंसे हुए रहते हैं। अच्छा। उन लोग को समझ भी नहीं आता क्या करें। आप बहुत सा गार्जियन लोग अपने बच्चे का डिमांड सिर्फ पूरा करते हैं, उन लोग पूरा पूरी फोकस नहीं देते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, अच्छा संगत गलत संगत, क्या किस कहाँ पर समय अपना दे रहे हैं, वो चीज़ उतना गार्जियन लोग आज के दिन में सिर्फ पैसे कमाने में ही रहते हैं, लेकिन वो लोग देखते नहीं कि जिन लोगों के लिए कमा रहे हैं वो लोग ठीक है कि नहीं। गार्जियन अगर बच्चा को टाइम दे तो नशा से मुक्ति हो सकता नशा है। से मुक्ति हो सकता है उन अच्छा, लोगों। आप जो नशा की बात कर रहे हैं, मैंने किस किसी में आपको दिखाई दे रहा है आज के समाज में नशा कैसे? नशा में हम लोग का जैसे बहुत कोई नशा का आदी हो जाते हैं, शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स, करेक्टर डिफेक्ट, प्रिवेंशन ऑफ बैड हैबिट। इसमें मैंने एज के क्या होता है इन लोगों का, जब आप इन लोगों का एज होता है आपका, इनका कोई एज का कोई लिमिट नहीं है, काहे कि आपका 15 साल से लेके 60 साल तक का भी पेशेंट यहाँ पर। ज्यादा पेशेंट आपके पास किस एज का आ रहे हैं? ज्यादा पेशेंट मेरा पास में आपका 20 से 35। आप तो 2016 से चला रहे हो सेंटर को, अब तक कितने लोगों को आपने फायदा पहुंचाया? हम लोगों ने यहाँ पर सैकड़ों लोगों को यहाँ से फायदा पहुंचाया है। ठीक है, अच्छा, बहुत मतलब वो यहाँ से ठीक हो गए? हाँ, ठीक हो गया। ऐसा कोई पेशेंट है जो लगा कि आप इससे नहीं सक पाओगे, लेकिन आपने उसको ठीक कर दिया? ऐसा बहुत सा पेशेंट आया है जो ट्रीटमेंट लिए, लगा कि बहुत मुश्किल होता है ठीक करने का, है कि उन लोगों का कन्वर्सन होता है, हेलुसिनेटेड हो जाता है, बहुत दूर दूर का पेशेंट भी रहा है, ठीक है, लेकिन आज का दिन में रिजल्ट अच्छा है, वो लोग अभी ठीक है। नशा करने वाले जो लोग हैं उनका तादाद क्या डे बाय डे बढ़ रहा है या घट रहा है? नशा करने वाले जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि समाज में अभी नशा ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां पर नहीं किया जा रहा है। आप क्या करें जो नशा पे काबू पाया जा सके?
सोसाइटी के लोग को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरे अगल बगल में आस पड़ोस में किस घर में कैसा कोई नशेड़ी तैयार हो रहा है, उन लोगों का थोड़ा ध्यान दें। लेकिन आजकल का समाज है कि देखता नहीं है, जे होचे होते दाव ये वो नहीं, ध्यान देना पड़ेगा। उस घर का जो नशेड़ी जो नशा करता है वो परेशान है, उसका घर वाला पूरा फैमिली परेशान है। तो उन लोगों को थोड़ा हेल्प करना चाहिए कि चलो ऐसा करो, चाहे यहाँ पर कोई फाउंडेशन है वहाँ पर एडमिट करो, ऐसा वैसा नया लाइफ आने में रिटर्न मदद करेगा, वो समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपके सेंटर में जो बच्चे आते हैं वो कितने दिन में ठीक हो जाते हैं लगभग, कितना लगता है? यहाँ पर देखिए पेशेंट का फिजिकली मेंटली का ऊपर डिपेंड होता है, कोई कोई 2 महीना में ठीक होता है, कोई कोई 4 महीना रहता है। टेस्टिंग करवाता हूँ हम लोग कि किसी का बाई चांस शुगर जॉन्डिस वगैरह ये सब निकल जाता है, ताकि हम लोग नशा छुड़वाने का जिम्मा लेता हूँ। प्लस आपका जो खाने उने का जो खर्चा यही सब अपना जिसका जैसा देने का ये है वही दे सकते थे। नशा में तुम देखते शराब हो गया आपका, अफीम हो गया, कुकिंग हो गया, ज्यादा क्या अभी आपको दिखा दे नशा? ज्यादातर आपका अभी शराब और ड्रग्स ब्राउन शुगर पूरा मार्केट में अवेलेबल चल रहे हैं अभी, और गांजा उंजा भी बहुत कोई पीते हैं, भांग वांग। और ड्राई नशा करने से बहुत कोई का मेंटली प्रॉब्लम भी हो जाता है, और हम लोग यहाँ से रांची रिटर्न पेशेंट भी ठीक किए हैं। अच्छा, उसको भी आप लोग ठीक। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे नशा मुक्ति के बारे में? लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आइए हम लोगों के साथ जुड़िए, जहाँ समाज को एक नशा मुक्त समाज बनाते हैं, सोसाइटी हेल्दी सोसाइटी हेल्दी लाइफ जीने का एक सही रास्ता हम लोग चाहते हैं कि सब मिलजुल के चले। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जो परेशान है नशा से, जिसका घर पर वो हम लोग से जुड़ित हो और एक तो खुशहाल लाइफ हम लोग व्यतीत करें। इससे क्या नुकसान है नशा से? नशा से नुकसान आपका है, पैसा भी जाता है, शरीर भी जाता है, मान सम्मान भी जाता है, घर से भी जाता है, परिवार से भी, कोई उन लोग को पसंद नहीं करता है। अच्छा, बच्चे नशा की तरफ कैसे आ जाते हैं? नशे बच्चे लोग पहले शौक से नशा करते हैं। अच्छा। फिर उनका आदत हो जाता है, फिर आस्ते आस्ते वो मजबूरी में नशा कर लेता है, क्योंकि उन लोग का पूरा फिजिकली में नशा पूरा बस जाता है, और वो लोग नहीं चाह के भी वो लोग छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि कंपल्सन काम करता है, नहीं चाह के भी वो लोग मजबूरी में नशा कर लेते हैं। नियामतपुर मुक्ति फाउंडेशन है, इसको आप कहाँ देखना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ हम लोग का ये फाउंडेशन एक तो समाज सुधारक एक तो सेंटर खोला गया है, केंद्र खोला गया है। मैं चाहता हूँ कि इंसान जो जो नशा करके परेशान है वो लोग आए जुड़ी तो हम लोगों से, और नशा मुक्त जिंदगी सोसाइटी नशा मुक्त करना चाहता हूँ। ऐसे कोई लोग है जिसको आप लोगों ने इसे मैंने वो बहुत नशा करते होंगे उसको आप लोगों ने सुधारा, कुछ है ऐसे आपके आसपास में? यही मेरे आसपास में ये है, मुन्ना जी और सोहन पाजी। अच्छा, तो ये लोग बहुत नशा में है दोनों, बहुत ही। सर क्या नाम हुआ आपका? सोहन सिंह। आप तो पहले नशा करते थे, बहुत अच्छे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जो बच्चे नशा कर रहे हैं उसके लिए क्या मैसेज है तुम्हारे लिए? उसे अच्छा करने का हम लोग सोच रहे हैं। आपका क्या नाम हो सर? मुन्ना प्रसाद। अच्छा मुन्ना प्रसाद, अभी तो आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो। इस लाइन में जो बच्चे नशा करके अपना पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपने फैमिली का लाइफ खत्म कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज, उसको तुम क्या कहना चाहोगे? वही कहना चाहते हैं जो लोग मतलब अपने घर में जो अपना ये किए हैं, अपना जो नशा करते हैं, जो नशा किए हैं उनको सुधारने के लिए जो हम लोग अपना मैंने अगर वो भी चाहे तो जिंदगी से लड़ सकते हैं, मेहनत करके वो बता सकते हैं कि नशा कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम भी चाहोगे तो तुम भी अच्छे बन सकते हो। आप तो नशा एडिक्ट रह चुके हैं, तो नशा वाला जिंदगी या बिना नशा वाला जिंदगी में कैसा महसूस हो रहा है आपको? नशा वाला जिंदगी तो आप तो जान ही रहे हो, तो ना कोई वो तो आप बेहतर बता सकते हैं। अच्छा जिंदगी देखिए, आज आपको अच्छा लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है। जब आप नशा में जिस समय नशा करते थे उस समय आपका घर वाला का बिहेव, पड़ोसी का बिहेव, समाज का बिहेव कैसा लगा था आपके साथ? बहुत बुरा बुरा। आज लोग आपको आज लोग देख रहे हैं तो लोग ताज्जुब करते हैं, प्राउड फील कर रहे हैं कि सोसाइटी इस तरह से बनता है, इतना जल्दी कैसी इस पर अभी किया हो गया। तो आगे आप क्या चाहेंगे कि दूसरे लोग भी आगे चाहते हैं, आगे भी लोगों को सुधारने का हम लोग प्रयास करेंगे। समाज को यही कहना चाहूंगा कि नियामतपुर मुक्ति फाउंडेशन का यही प्रयास नशा मुक्त सारा समाज।